छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ब्राउन शुगर का कारोबार फूटने के मामले की जांच में जुटी पुलिस को अहम इनपुट्स मिले हैं, जो इस बात की ओर सवाल उठा रहे हैं कि इसका कहीं कोई पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल ब्राउन शुगर की तस्करी में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्त में लिया है वह मूलतः राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। ब्राउन शुगर की डिलीवरी जैसलमेर के व्यक्ति के जरिए की जाती है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सीमा पार से कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच की दिशा बदल दी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा को विशेष टीम गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का जिम्मा सौंपा है। छाबड़ा के निर्देशन में यह जांच महासमुंद एसपी प्रफुल्ल ठाकुर करेंगे। बताया जा रहा है कि महासमुंद जिले में नशीली दवाओं गांजा ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के इनपुट्स मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। संदेहास्पद लोगों की गतिविधियों पर अरसे से निगरानी की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि ब्राउन शुगर खपाने की कोशिश में कुछ लोग जुट गए हैं। इस सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी पुलिस ने गश्त बढ़ा दी और हर चेक पॉइंट्स पर जांच में कड़ाई बरती जा रही है। इस दौरान ही 12 अगस्त को नदी मोड़ के रास्ते महासमुंद आने वाले रास्ते में एक नीली मोपेड में पुलिस ने आरोपी शंकर लाल वैष्णव से अवैध रूप से ले जा रहे ब्राउन शुगर की बरामदगी की। उसके पास ऑटोमेटिक पिस्तल भी रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा 21 सी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।